स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से। और आज मैं जा रही हूँ भुवनेश्वरी माता के मंदिर। भुवनेश्वरी माता का मंदिर बिलखेत के पास पड़ता है और मैं फर्स्ट टाइम वहाँ जाने वाली हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ भी वीडियो शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं, रेडी। और ये हम पहुँच चुके हैं भुवनेश्वरी मंदिर के बाहर, और मुख्य द्वार से मंदिर तक की दूरी लगभग 500 मीटर की होगी। यह मंदिर पौड़ी जिले के कलजीखाल ब्लॉक के बिलखेत नामक स्थान में स्थित है, और सांगुड़ा नामक गांव में स्थित होने के कारण इसे सांगुड़ा देवी के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर से जुड़ी हुई अनेक जनश्रुतियाँ हैं, तो उन्हीं में से मैं आपको एक के बारे में बताऊँगी। कहा जाता है जब विदेशी आक्रमण भारत के मंदिरों पर हो रहे थे और हिंदू मंदिरों की पवित्रता को खंडित किया जा रहा था, उस समय माँ भुवनेश्वरी ने माँ ज्वालपा, माँ बालकुवारी, माँ बाल सुंदरी और माँ राजराजेश्वरी तथा वीर भैरव के साथ गढ़वाल क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। और कहा जाता है इस समय गढ़वाल क्षेत्र के लोग नजीबाबाद सामान लेने जाते थे, जैसे नमक हो गया, गुड़, कपड़ा, तो वहाँ जाते थे क्योंकि वहाँ पर बड़ी व्यापारिक मंडी थी। तो इसी दौरान पौड़ी जिले के मनियारसुपट्टी के सेनार गांव के 5 नेगी बंधु नमक क्रय करने के लिए नजीबाबाद गए, और उसी समय माँ भुवनेश्वरी ने एक मातृलिंग के रूप में उनकी नमक की बोरी में स्थान ले लिया था और उनके साथ गढ़वाल की ओर चल दी थी। और जब वह सांगुड़ा नामक स्थान पर पहुँचे तो माता की शक्ति ने अपना रूप दिखाना शुरू किया और बोरी का वजन बहुत ज़्यादा हो गया। वो नेगी बंधु उस बोरी को उठा नहीं पाए, तो जब उन्होंने उसे खोल के देखा तो उन्हें उसमें एक पत्थर दिखा, जिसे उन्होंने सामान्य पत्थर समझकर उसे स्थान पर छोड़ दिया और अपने घर की ओर चल दिए। फिर माता ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि मुझे यह स्थान अच्छा लगा और मैं यहाँ पर रहना चाहती हूँ, तो मुझे यहाँ पर स्थापित कर दिया जाए। तो फिर नेगी बंधुओं ने वहाँ पर माता को स्थापित किया, और इस कार्य में उनका सहयोग नैथानियों ने भी किया। तभी से नैथानियों की कुलदेवी माँ भुवनेश्वरी हैं, और जिस जगह पर मंदिर है वह जगह मनियारी रावतों की थी, तो इसलिए माता का ससुराल पक्ष मनियारी रावतों को माना जाता है और नेगी बंधुओं को माँ का मायके वाला माना जाता है। और इस मंदिर के जो पुजारी हैं वह शैलवाल जाति के लोग होते हैं, और कहा जाता है माता ने स्वयं इन्हें आदेश दिया था पूजा करने का। तो ये थी माँ भुवनेश्वरी की कहानी। तो चलिए अब हम आगे मंदिर के दर्शन करते हैं।